जो गुरुद्वारा है तीर्थराज प्रयाग विशाला तहाँ पहुँचे जाय कृपाला सत संगत सिखन बड़ भागे परम क्षेत्र गुरदर्शन। हे गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज हमें पूरी तरह स्वस्थ और मस्त आशा करते हैं अभी पूरी तरह स्वस्थ और मस्त होंगे। तो गाइज आज है गुरु पूर्णिमा जिसपे हम लोग आए हैं गुरु नानक जयंती मनाने। तो गाइज हम लोग आ गए इसमें गुरुद्वारा पक्की संगत प्रयागराज। तो गाइज यहाँ पे बहुत ही ऐतिहासिक ये संगत है, बहुत ही पुराना गुरुद्वारा है। अलग गाइज ये पड़ता है सत्ती चौरा चौराहे से लगभग 500 मीटर के आसपास की रेंज में। जब भी आप सत्ती चौरा पहुंचे तो वहाँ से आप जरूर पता कर लें कि यह गुरुद्वारा कहाँ पे। बहुत ही प्राचीन है, यह प्रयागराज का बहुत ही सबसे प्राचीन गुरुद्वारा कह सकते हैं। तो गाइज हम लोग आए थे फर्स्ट टाइम गुरुद्वारे में, हालांकि बहुत जानकारी नहीं है लेकिन गुरु नानक साहब ने यहाँ तक खींच लाया है। तो गाइज यहाँ पे मिल गए हमें अवनीश भाई साहब। अवनीश भाई साहब से हम सबसे पहले यही जानने की कोशिश करते हैं कि जहाँ पे हम लोग सबसे पहले आशीर्वाद लिए हैं उस प्लेस की क्या हिस्ट्री है, उसकी क्या हिस्ट्री है। ये गुरुद्वारा बहुत ही प्राचीन है, यहाँ गुरु तेग बहादुर सिंह जी पटना से लौटते समय रुके थे। और यहाँ पे लगभग 6 महीने वो रुके थे, तपस्या किए थे। इसके बाद जो है संगत ने यहाँ गुरुद्वारा बनाया है। गुरु ग्रंथ साहब जी का यहाँ प्रकाश है। तो आज गुरुपर्व मना रहे हैं यहाँ सब। अच्छा, आए हैं गुरुपर्व मना रहे हैं और गुरु नानक गुरु नानक देव जी का 553वां जयंती है आज। ये गुरुद्वारा सबसे प्राचीन है प्रयागराज में, इसमें क्या कहेंगे आप? प्राचीनता की इसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी भी आए थे यहाँ पे, तो उनका तो मतलब धर्म प्रचार के लिए वो लोग अपना घूमते रहते थे। जहाँ जैसे जो भक्त लोग थे अपना उनको कुछ ज्ञान देने के लिए रुक जाते थे तो समूह आ जाता था, निवेदन करते थे, रुक कर फिर वहाँ रहते थे, तो लोग उससे प्रभावित होते थे। तो वो स्थान जहाँ उन्होंने अपना चरण रखा वो पवित्र माना जाता है। इसी याद में यहाँ पे गुरुद्वारे बनाए गए हैं। तो आज जो है यहाँ सिख समुदाय जो रहते हैं उनके लिए बहुत ही पावन और बहुत ही पवित्र आदर। तो गाइस जब हम प्रवेश किए हैं तो सबसे पहले यहाँ पे निशान साहब मिले हैं, तो इनका क्या महत्व है भाई से ही जानते हैं। निशान साहब सिर्फ इस पहचान के लिए होता है कि यहाँ पे गुरुद्वारा है, काफी ऊंचा इसको लगाते हैं। अच्छा, निशान ही है एक प्रकार से कि ये स्थित है यहाँ पे, लोग देख के उसको पहुँचते हैं वहाँ पे। ये इसी उपलक्ष्य में, बाकी तो श्रद्धा बस यहाँ पे लोग सिर झुकाते हैं जी। ये हमको इतना मालूम है इसके बारे में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, इतनी अमूल्य जानकारी हमें आप दी फर्स्ट टाइम में। ये हमारा सौभाग्य है कि आप हमें मिल गए। तो गाइस जब हम आपको लेकर चल रहे हैं गुरु ग्रंथ साहिब का जहाँ पाठ चल रहा है, चलते हैं वहाँ भी हम लोग थोड़ा सा दर्शन वगैरह करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं हम लोग लंगर वगैरह के पास। वहाँ भी जो भी शूट करेंगे आपके साथ पूरा पूरा शेयर करेंगे। सिख धर्म में निशान साहिब का बहुत ही महत्व होता है, बहुत ही पवित्र स्थान होता है। जब भी आप प्रवेश करेंगे किसी गुरुद्वारे में वहां पे सबसे पहले आपको निशान साहिब का ही दर्शन मिलेगा। तो गाइस यहां पे टहलते टहलते हमको दिख गया तेज तेग बहादुर सिमरिए घर। सॉरी गाइस हम पढ़ नहीं पा रहे पंजाबी में, ऐतिहासिक कुआं जो हिंदी में लिखा है उसको पढ़ पा रहे हैं। तो चलते हैं गाइज वहां पर भी। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपनी माता जी के स्नान कराने के लिए कुएं में गंगा जी का प्रवेश कराया।
तो गाइज जितना सुना था कहीं उससे ज्यादा पाया, बहुत ही पीसफुल प्लेस है। तो गाइज जब आपको लेके चलते हैं लंगर में, बिना लंगर खाए यहाँ की यात्रा अधूरी है, तो चलते हैं लंगर में, चाय वगैरह पियेंगे और जो भी उपलब्ध होगा उसको खाएंगे। फिर चलते हैं लंगर की चाय वगैरह पीते हैं, साथ ही साथ आपको पिलाते हैं, रहिए मेरे साथ। भैया दो भैया हैं, अरे आधे घंटे चाय पकावा, चाय भाई आ गए। थैंक यू भाई। तो वादा किया था कि लंगर की चाय और यहाँ का कुछ खा पी के ही निकलेंगे, तो गाइज चाय तो मेरे हाथ में आ गई है। तो करते हैं गुरु ग्रंथ साहब का, गुरु नानक साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो गुरुद्वारा है तीर्थ राज प्रयाग बसाला, तहाँ पहुँचे जाए कृपाला, सत संगत सिखन बड़ भागे, परम क्षेत्र गुरदर्शन लागे, जहाँ त्रिबेणी संगम हुआ, प्रथम जाए थे गुरु खुड़वा। ये जो के सभी तीर्थों का राजा तीर्थ राज प्रयाग, ठाठ तीर्थ है, ठाठा तीर्थों का मेन राजा तीर्थ राज प्रयाग है। इस तीर्थ के उत्ते गंगा जमुना सरस्वती का सुमेल होता है, और इस तीर्थ के उत्ते साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की ये तस्वीर है। ये जब भ्रमण करते करते तीर्थ राज प्रयाग में पहुँचे, और उस समय जो संगम सी, यहाँ बलवा घाट एक जगह है, इतने संगम हुंदा सी। यही जो जगह है ये संगम का बिल्कुल किनारा, जो संगम है इस वक्त 3 किलोमीटर दूर चले गया। साहब जो पहुँचे ने, तो पहुँच करके गुरु जी ने उस समय अपना इशनान किया, प्रथम गुरु जी मज्जन किया, और उस तो बाद गुरु साहब जी ने जदों इशनान तो बाद संगतां नूं दान पुन करना, फिर जो मारी नाल सिख संगत सी उन्होंने इशनान किया, और इशनान करन दे उपरंत ते जो गरीब गुरुबा सी उनको गुरु साहब जी दान करना शुरू करे। जो हमारे सिख धर्म की परंपरा है, गुरु जी ने लंगर लगा दिया और जो भी उनके पास पूर्ण दान करना शुरू कर दिया। और उस समय गुरु साहब जी का प्रचार सुन करके ते शहर सिख संगत पहुंची, कहिंदे कौन तंत्र है, क्या कौन कैसा गुरु है जो इत्थे आकर के इन्ना पूर्ण दान कर रहा। तो संगत नूं पता चलिया भी ये नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर जी है, गुरु नानक देव महाराज के वारस, जिस गुरु नानक देव महाराज जी का अज अवतार पुरब गुरुद्वारा पक्की सिंह विखे मनाया गया है। तो इस करके गुरु नानक देव महाराज जी के ही ये नौवें वारस नौवीं गद्दी है जिसे गुरु तेग बहादुर साहब बैठे सन। तो गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने फिर इतने संगतान के कहते, ये जो घर है, यह स्थान है, एक भगत राम मल जी हुए ने इतों के, वो महाराज जी के बहुत ज़्यादा भगत सन। तो उन्होंने अपने घर के महाराज ने बुला करके तो इतें ही महाराज जी रह करके 6 महीने उन्होंने तप किया। तप करन दे उपरंत इसी जगह से महाराज तप करते सन। ये जो जगह है, ये छोटा जा कमरा, कपड़ैल के कमरे से 3 नहरों जिते लंगर छकया है बैठे से, ये बहुत प्राचीन पुरानी कोठी सी, उन्होंने तोड़ करके अभी संगत दे मजबूरी कारण करके तोड़ना पे, क्योंकि जगह नहीं सी, इस करके संगत के वास्ते जगह उत्ते कमरे बनाए, हॉल बनाया, लंगर हॉल बनाया भी संगत बैठ करके आराम नाल लंगर पानी छक सके, बाहरों आए हुए दर्शनार्थक यात्रु जड़े आ आराम रुक सकन। उस समय गुरु साहब जी के नाल 600-700 लोग सन, तो गुरु साहब जी ने इसे टेंट लाते, तंबू लाते, तो इतने ही संगत ने बहुत महाराज की सेवा की। महाराज जी सुबह शाम अपना धर्म प्रचार जो करते सन, तो संगतान साधु उपदेश देंदे सन। तो एक दिन उन्होंने माता नानकी जी गुरु तेग बहादुर साहब इच्छा जागृत हुई भी ढाडे पिता जी ने कहा भी ढाडे घर के जो पुत्र पैदा होगा जिसे तुम दर्शन करोगे फिर मेरे को आओगे। तो कहते बेटा आपकी अवस्था बहुत हो गई है। गुरु साहब जी की उस समय 45 साल की अवस्था हो गई सी, जिस समय महाराज जी दे माता जी ने कहा भी आपके घर कोई औलाद होनी चाहिए है, तो महाराज जी ने कहा साढ़े वास नहीं परमात्मा के वास है। गुरु साहब जी ने उस समय जदों परमात्मा के अगर प्रार्थना करने वास्ते जो हमारा इष्ट श्री गुरु ग्रंथ साहब जी है, इस गुरु ग्रंथ साहब जी का उसमें पहला प्रथम पाठ इतने करवाया, खंड पाठ होया, यहीं से परंपरा शुरू हुई श्री खंड पाठ साहब जी। यहाँ पर फिर खंड पाठ हुआ, खंड पाठ होने के बाद गुरु साहब जी ने पाठ सरवण किया, और जी सिख संगत सी उन्होंने कहा गंगा स्नान करके आओ। जो मारी नाल नौजवान संगतां सी वो तो गंगा जी पहुँच गई, तो माता जी बहुत बुजुर्ग सन, माता जी ने कहा बेटा मैं नहीं जा सकती, मैं कैसे जाऊँगी, सारे लोग तो चले गए। तो महाराज ने कहा भी माता जी आप चिंता ना करो, गंगा जी यहीं आ जाएगी, गंगा जमुना सरस्वती का कुएं दे प्रवेश करो। अज तक 1666-1723 बिक्रमी सन महाराज जी इतने आए सन,
उस समय तो यह कुआं चल रहा है, इहदा जल जिहड़ा तुसीं पीता उही जल सारा अहीं पीने आ, उही वरतों हुंदी है, उही इतनी वड्डी बिल्डिंग बनी है। आई गई महल्ले दे विच पानी नहीं भी आउंदा ते इसे कुएं दा पानी जांदा, लोग महल्ले के भी पानी जान सिखा, आज भी उही पानी है। हाँ, 300 साल से उपर ही हो गया। और गुरु साहब जी ने फिर उस समय जदों माता जी की बेनती सुन के ते क्या फिर रह गुरु खट मस्त निज मेला वरदी, फिर गुरु साहब जी ने अपनी धर्म सपत्नी माता गुजरी जी ने इत्थे ही उन्होंने आशीर्वाद दिता। तो उस समय गुरु गोबिंद सिंह जी जिहड़े सन मुरपित पुरब की अस प्याना भांत भांत के तीर्थ नाना, जब ही जात त्रिवेणी पै पुन दान दिन करत बतै तही प्रकाश हमारा पयो, पटना शहर विखे बोले तही मैंने त्रिवेणी विखे गुरु गोबिंद सिंह माता जी घर में प्रकाश आया ते अवतार उन्होंने पटना साहब विखे जाके लिया। इस करके गुरु जी का जिहड़ा सी उन्होंने कहा तही प्रकाश तही मैंने त्रिवेणी विखे इसे जगह ते ही हमारा जिहड़ा ही प्रकाश होया माता जी घर में और पटना साहब जाके उन्होंने उतार लिया। ये गुरु साहब के नाल संबंधित जिहड़ा इतिहासिक गुरद्वारा है और गुरु गोबिंद सिंह महाराज जो 5 साल की अवस्था के पटना साहब तो वापसी आते 5 दिन इतने ठहरे सन गुरु गोबिंद सिंह 5 दिन ठहर करके उन्होंने संगतों को सत उपदेश दिता भी जिन्हों के घरे धी पुत्र नहीं है जे साडे पिता जी नूं माता जी नूं खुशी प्राप्त हुई है उन्होंने घरे धी पुत्र की प्राप्ति होगी। अज भी इस स्थान पर दास नूं भी इतने 20 साल हो गए लगभग, कितने लोगों जेडे लोग आए भगत लोग आए उन्होंने आशीर्वाद दिता जा प्रार्थना की गुरु साहब के चरणों में बैठ करके अरदास की फल दिया उनके घर में पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनके बिल्कुल औलाद नहीं सी उनके घर जो भी बेटी आ गई चाहे बेटा आ गया पहला जिनके घर बेटियां बैठियां उन्होंने घर बेटा भी होया। इस स्थान से ये बर है, इस करके ये जो इतिहासिक स्थान है ये बहुत प्रसिद्ध स्थान है, ये हमारा 4-5 इतिहास नाल संबंधित स्थान है। इसे ही जगह से ये जो कृपाण पई है एक गुरु महाराज के समय की कृपाण है, इधर कृपाण है इसी समय से, ठीक है। हाँ, खुर्द बुर्द हो गया उसके चार पाए एक संख, ये 3-4 में निशानियां है। आप गूगल में सर्च करोगे pakkisangh.com के नाम से आपको मिलेगा सोल्यूशन और पूरा इतिहास मिलेगा हिंदी पंजाबी इंग्लिश में तीनों। इस करके ये हमारा यहाँ का इतिहास है, कनेडा अमेरिका यूएसए जहाँ जहाँ के आए दुबई के लोग आए सब पाठ करवाते रहते हैं, जहाँ जिनकी कामना पूरी होती है वो करवाते हैं, जिनकी नहीं भी होती वो भी आके करवाते हैं। महाराज एक सवाल और है मेरा, इसमें कोई धार्मिक प्रतिबंध नहीं है ना, कोई भी आ सकता है? नहीं, हमारे जात पात का कोई ना कोई भी आ सकता। आज कितने लोग मुसलमान भी लंगर छके गए ने, हिंदू भी आए ने, ईसाई भी आए ने। हाँ, सवाल मेरे दिमाग में हमेशा रहता था तो मैंने आज आपसे जो गुरु ग्रंथ साहिब है इसमें 15 भक्त हुए, कबीर फरीद हाँ जी नामदेव सदना और जितनी भी जातियों के 15 भक्त हुए, वो 15 भक्तों की बाणी इसमें है, जिसमें बाबा फरीद जी भी है मुसलमानों की बाणी भी है, कबीर साहब की भी बाणी है और नामदेव की भी सदा की भी त्रिलोचना की रामानंद पीपा जिन्हें भक्त सब भक्तों की बाणी 4 सिखों की बाणी और 6 गुरुओं की बाणी और 5 भट्टों की बाणी है जिन्होंने सवैये लिखे सी बनारस की काशी में बैठ कर उच्चारण किया था भट्ट लोग। तो इस करके इसमें हमारा ये सर्वधर्म उपदेश 4 वर्णा को साझा, 4 वर्ण है हाँ ब्राह्मण शूद्र वैश्य क्षत्रिय, तो सबको उपदेश हमारे इस जहाँ निशान लग जाता है ना जो जिसको हम झंडा बोलते हैं, आपको तो सिर्फ झंडा लगता है उसमें भी जाति पाति रह सकती है, पर हमारे जो वह निशान साहब चढ़ जाता है इसकी खंडे की नोक देख करके लोग वहाँ से दर्शन कर लेते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इस झंडे के नीचे जो आ गया गरीब गुरुबा किसी भी धर्म का आ गया वो भूखा नहीं जाएगा, खाना पीना उनको मिलेगा। कई ऐसे लोग हैं जैसे विद्यार्थी लोग जहाँ पेपर देने आते हैं जहाँ रुकते हैं 250-300 लोग रुकते हैं, जो भी खाना बनता सब खाते हैं, आप देखा ही है किसी को जिसने थाली में कहा थाली में खाना मिला है नहीं भाई हमने आपको देखा ये कौन है इनको पत्थर दीजिए वहाँ बैठाओ ना, जिसमें खा रहे हैं सब उसमें खाएंगे, हमारा भी वैसा ही मिलेगा सब। हमारा सिख धर्म में जो है गुरु नानक देव महाराज जी ने 20 रुपए से लंगर की परंपरा शुरू की थी, आज तक सब जगह हुई लंगर चलता रहा है। अभी हिंदू धर्म में भी शुरू हो गया थोड़ा थोड़ा भंडारा का, जिसको भंडारा बोलते थे चाहे गुरुद्वारे किस चीज की बनाओ
उसमें कभी भी ऐसी चीज ना डालो जिसमें मतभेद हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आगे पीछे अपना टिकटॉक जो मर्जी बनाइए, जो मर्जी करिए, वो वक्री है। आप तीनों लोग दोस्त हो, जो मर्जी करिए, बेटर है। हाँ, मंदिर गुरुद्वारे में जाते हो, पहला तो कहला है मंदिर में जाओ, गुरुद्वारे जाओ, अपने श्रद्धा करके जाना चाहिए। तो हमारा पति परमेश्वर है, चाहे मंदिर में हो चाहे गुरुद्वारे में, सिर्फ ये हमारे दरवाजे हैं, गुरुद्वारा, मंदिर, मसीह और चर्च, ये चार दरवाजे हैं। मंदिर एक है, ये पहले पत्थर की चमकी होती थी ना, आपने देखा है बनारस में भी, यहाँ मंदाई तो हो गया, यहाँ पक्का पहला घाट होता था, चौकी बैठे, ऐसे इतनी बड़ी चमकी थी, उसके चारे पाए थे, तो थोड़ा ऊंची बनी हुई, थड़ा के ऊपर रखी हुई थी, उसमें बैठते थे महाराज। तो फिर पता नहीं हमारे आने से पहले तो ये संस्था थे, वो तलवार तीनों चीज नीचे से निकली थी जब खुदाई किया था। तो गाइस निशान साहब पहुंचने के बाद लेते हैं एक बार आशीर्वाद और करते हैं वीडियो कहीं समाप्त। जय हिंद, वंदे मातरम, जय गणेश।